नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य क्लासेस में। दोस्तों, सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक घटनाओं की आज तीसरी क्लास आप लोगों के लिए है। दोस्तों, डेली मॉर्निंग में आपको एक वीडियो मिला करेगा और आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना है। आज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आप लोगों के लिए है और लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या है अपना कि हाल ही में WHO के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? अमित शाह, रमेश पोखरियाल, डॉक्टर हर्षवर्धन या मनोज तिवारी? तो डॉक्टर हर्षवर्धन की नियुक्ति की गई है। डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। क्या है दोस्तों? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। और बात की जाए इन्होंने किसके पद को संभाला है, तो इसके पहले जापान के दोस्तों कौन थे? डॉक्टर हिरोकी नकतानी इनकी जगह डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं हम लोग क्या है कि हाल ही में चर्चा में रही टिड्डी चेतावनी संगठन, यानी इसको बोल सकते हैं लोकल्स वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, की स्थापना कब हुई? 1945, 1946, 1947 या 1948? तो दोस्तों 1946 में टिड्डी चेतावनी संगठन की स्थापना की गई थी। क्यों किया गया था दोस्तों? क्योंकि उस टाइम भी टिड्डी का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो गया था, जिससे बचने के लिए एक संगठन बनाया गया था, जैसे लोगों की जितने किसान लोग हैं इनकी फसल नुकसान ना हो, बर्बाद ना हो, तो संगठन बनाया गया था जिसके माध्यम से इसको भगाया जा सके। तो अभी आपको पता है कि टिड्डी बहुत ज़्यादा हो गई है, पूरा टिड्डी दल आ रहा है किसी ना किसी राज्य में, तो पूरा फसल बर्बाद कर दे रहा है। तो दोस्तों टिड्डी चेतावनी संगठन की स्थापना 1946 में की गई थी। अब बात आती है इसका मुख्यालय कहाँ पे है। इसका दोस्तों केंद्रीय मुख्यालय है। केंद्रीय मुख्यालय की बात की जाए तो दोस्तों वो है फरीदाबाद में, और क्षेत्रीय मुख्यालय की बात की जाए तो क्षेत्रीय मुख्यालय है जोधपुर में। इसको आप लोग लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं क्या है हमारा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या है? मिराइतोवा, सोमाइटी, मिसा या होदोरी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, मिराइतोवा टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर है। अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक कब से कब तक होना था। तो दोस्तों 24 जुलाई से लेके 9 अगस्त तक होने वाला था, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इसको बढ़ा दिया गया है, इस साल नहीं होगा, 2021 में होगा। कब से कब तक होगा? 23 जुलाई से लेके दोस्तों 8 अगस्त तक होगा। अब बात करते हैं सोमाइटी की। सोमाइटी क्या है? तो दोस्तों ये पैरा ओलंपिक का क्या है, शुभंकर है 2020 का। अब बात करते हैं पैरा ओलंपिक कब होगा। पैरा ओलंपिक भी दोस्तों नेक्स्ट ईयर होगा, 24 अगस्त से लेके 5 अगस्त तक। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं क्या है हमारा कि फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस जिले में है? अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत या चमोली? फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, आप सभी को मालूम है। ये दोस्तों चमोली जिले में है। कहाँ पे है? चमोली जिले में। अब बात करते हैं उत्तराखंड की कैपिटल क्या है। उत्तराखंड की कैपिटल है दोस्तों देहरादून। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं क्या है। जल प्रदूषण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1972, 1973, 1974 या 1975? तो दोस्तों 1974 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही है। 1974 में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम लागू किया गया। अब बात करें किस डेट को, तो 23 मार्च को। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं कर्मयोद्धा ग्रंथ पुस्तक निम्न में कौन विमोचन किया, यहाँ पे कौन हो जाएगा दोस्तों, कौन रिलीज या विमोचन किया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सत्यार्थ नायक या मिस्टर सूरी? तो दोस्तों सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा, अमित शाह ने इसका विमोचन किया। अब बात करते हैं कर्मयोद्धा ग्रंथ है क्या चीज, ये क्या है कि बायोग्राफी ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी के जीवन के बारे में इसमें सब कुछ लिखा गया है। और दोस्तों कर्मयोद्धा ग्रंथ को लिखने के लिए भारत सरकार के बहुत से मंत्री और नेता साथ दिए, उनके माध्यम से ये चीज़ कंप्लीट हो पाया, ये बुक कंप्लीट हो पाया। तो लगभग कौन कौन से थे मैं मुख्य लोगों का नाम बता देता हूँ, स्मृति ईरानी, डॉक्टर हर्षवर्धन, प्रकाश जावड़ेकर, नितिन गडकरी इत्यादि, ठीक है। अब बात करते हैं नरेंद्र मोदी की पुस्तक का क्या नाम था। नरेंद्र मोदी की पुस्तक का नाम क्या था दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स। एग्जाम वॉरियर्स इनकी बहुत फेमस बुक थी। और सत्यार्थ नायक, सत्यार्थ नायक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। सत्यार्थ नायक दोस्तों लिखे हैं क्या, श्रीदेवी द एटर्नल स्क्रीन गॉडेस। फिर से सुनिए, लिख लीजिए, श्रीदेवी द एटर्नल स्क्रीन गॉडेस सत्यार्थ नायक द्वारा लिखी गई है। और मिस्टर सूरी ने दोस्तों क्या लिखा है, खूनी वैसाखी। क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, 20 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च या 22 अप्रैल?
तो दोस्तों 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे यानी विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। अब बात करें 22 मार्च को, पहले बात कर लेते हैं गौरैया दिवस मनाया क्यों जाता है। आप लोगों को पता है कि गौरैया की प्रजाति लुप्त होती चली जा रही है, उसको बचाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ और जो घरेलू पक्षियां हैं उनको भी बचाने के लिए ये चीज़ मनाया जाता है। अब बात करते हैं 22 मार्च, 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आई बटन पे आपको मिलेगा कि कौन कौन से दिवस महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण दिवस के सभी वीडियो यहाँ पे मैंने आपको बताया है ट्रिक के साथ, आप यहाँ से रीड कर सकते हो। 22 मार्च को दोस्तों मनाया जाता है क्या, वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस। 23 मार्च को दोस्तों क्या मनाया जाता है, 23 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों शहीद दिवस। शहीद दिवस, इसी दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। अब बात करते हैं 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है। 22 अप्रैल को दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हमारा क्या है। निम्न में से कौन सी महिला हॉकी खिलाड़ी को, निम्न में से कौन सी महिला हॉकी खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। सविता पूनिया, मणिका बत्रा, रानी रामपाल या गुरप्रीत कौर। तो दोस्तों रानी रामपाल को, महिला हॉकी खिलाड़ी हैं ये, इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है। अब बात करते हैं मणिका बत्रा की, मणिका बत्रा को भी दोस्तों चुना गया है। ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है, टीटी खिलाड़ी हैं ये मणिका बत्रा। और रानी रामपाल क्या हैं, हॉकी खिलाड़ी हैं, महिला हॉकी खिलाड़ी हैं, इनको भी राजीव गांधी खेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है हमारा, कि 4 अगस्त 2020 को बेरूत, ये लेबनान की कैपिटल है, में किस रसायन की वजह से भयंकर विस्फोट हुआ था। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अमोनियम नाइट्रेट की वजह से क्या हुआ था, धमाका हुआ था। कब हुआ था, 4 अगस्त 2020 को। अब बात करते हैं दोस्तों नाइट्रेट की मात्रा कितनी थी, अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा कितनी थी। तो लगभग 3000 टन, लगभग 3000 टन अमोनियम नाइट्रेट की मात्रा थी। 170 से ज़्यादा लोग दोस्तों मारे गए थे इसमें और 6000 से भी ज़्यादा लोग घायल हो गए थे जो धमाका हुआ था। अब बात करते हैं कि कितने लोग आवास विहीन हो गए थे इस धमाके से। तो 5000 से ज़्यादा लोग आवास विहीन हो गए थे, इनका घर छिन गया था धमाके में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हमारा क्या है, पीएम केयर्स फंड का गठन कब किया गया था। 21 मार्च 2020, 28 मार्च 2020, 23 मार्च 2020 या 18 अप्रैल 2020। तो दोस्तों 28 मार्च 2020 को पीएम केयर्स फंड का गठन किया गया। अब बात आती है पीएम केयर्स फंड, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। पीएम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। ओके, फिर से देखिए क्या होता है, पीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर केयर्स का फुल फॉर्म क्या हो गया दोस्तों, सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, इसका गठन कब किया गया था, सॉरी 28 मार्च 2020 को। क्यों किया गया था दोस्तों, क्योंकि जिससे सरकार जो है वो कोरोना के खिलाफ लड़ सके, और इसमें जन सामान्य लोग क्या करते थे, योगदान देते थे। योगदान देने का काम था जन सामान्य लोगों का, जो नॉर्मल लोग हैं, आम जनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन होगा, कौन होगा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या हरियाणा। तो दोस्तों कर्नाटक यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है, टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले दुनिया के तेज गेंदबाज कौन है, जेम्स एंडरसन, जसप्रीत बुमराह, कगिसो रबाडा या मिचेल स्टार्क। तो दोस्तों जेम्स एंडरसन, जेम्स एंडरसन 600 विकेट लेने वाले पहले दुनिया के तेज गेंदबाज बन गए हैं। और ये कहाँ के हैं दोस्तों, जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के हैं, कहाँ के हैं, इंग्लैंड टीम से हैं दोस्तों ये। और 25 अगस्त 2020 को पाकिस्तान के खिलाफ हुए टेस्ट में इन्होंने क्या किया, ये विकेट लिया था, लास्ट मैच था उसमें, और पाकिस्तान की कैप्टन अजहर अली को इन्होंने आउट किया था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए निम्न में से कौन सा खिलाड़ी चयनित किया गया है, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली या रोहित शर्मा। इनमें से एक ऑप्शन सही है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना होगा। तो दोस्तों ऐसी डेली आपको मॉर्निंग में प्रश्न मिलते रहेंगे,
और वीडियो कैसा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ ही साथ लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।